हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक वर्षा होती रहेगी, उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं रुकेगी। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अब पूर्वी यूपी में ओले गिरेंगे और साथियों कानपुर में पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में तापमान नीचे गिरता चला जा रहा है। मेरठ में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, गोरखपुर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके प्रयागराज इलाहाबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लखनऊ में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, वाराणसी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कानपुर में आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रहा, जिसके साथ अब यूपी में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं पर आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी तक मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा होती रहेगी। वहीं पर साथियों राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश की संभावना रखी गई है और साथियों 16 mm तक बारिश हो सकती है। वहीं पर मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह के समय घना कोहरे होने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और पूर्वी यूपी में आपके ओले गिरने की संभावना रखी गई है। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना हमारे मौसम विभाग ने कहा है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, क्योंकि अब ठंड उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। तो आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने परिवार एग्जाम के वार को सब्सक्राइब करें। अपना और अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।